अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि क्यू मोबाइल i6i का FRP लॉक, यानी जिसको गूगल बाईपास लॉक भी कहते हैं, वो किस तरह किया जाता है। तो अगर आपने मोबाइल अपना रीसेट कर दिया है और गूगल आपसे आईडी मांग रहा है, तो आप बगैर डिवाइस के किस तरह ये रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके साथ आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारा चैनल AH मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप देख सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो हिडन है, तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं हो रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्लिक करनी है और ये आपको नज़र आ रहा होगा @, आप इसको 2-3 सेकंड दबा के रखना है। तो ये इस तरह का कुछ आपके पास लिखा आएगा, आपने एंड्रॉयड कीबोर्ड सेटिंग पे क्लिक करनी है, उसके बाद आपने ये टेक्स्ट कुरेक्शन पे क्लिक करनी है, फिर ऐड ऑन डिक्शनरीज, सॉरी इसमें नहीं, पर्सनल डिक्शनरी इंग्लिश, और यहाँ पे आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने प्लस करना है और यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दें, ना भी लिखें तो कोई कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप सर्च कर लें गूगल कीबोर्ड, तो देख सकते हैं यहाँ पे गूगल कीबोर्ड है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट स्पीच आउट अप, तो इसके बाद यहाँ ये सेटिंग का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पे अब सेटिंग फॉर गूगल टेक्स्ट टू स्पीच इंग्लिश, इस पर क्लिक कर दें, सॉरी दोस्तों इन वॉइस, ये इस पर करना है इंस्टॉल वॉइस डाटा पे। आगे आपने ये तीन बटन जो बने हुए हैं, तीन नुक्ते हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओपन शोर्स लेसनस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे सर्च का जो बटन बना हुआ है आपने इस तरह सर्च दबा देना है, तो यहाँ पे ये सर्चिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है सेटिंग SETTING, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे नीचे सेटिंग लिखा हुआ आ गया, तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे आके इसको बैकअप एंड रीसेट कर देना है, तो दोस्तों आपका जो पासवर्ड होगा वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएगा। तो प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या इसका पासवर्ड जो है वो रिमूव हुआ है या अभी नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इस अभी ये क्यू मोबाइल आया है, इसके बाद ये अरेजिंग आ गई है, अब दोबारा से ये रिस्टार्ट हो जाएगा। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से ये रिस्टार्ट हुआ है। दोस्तों यहाँ पे जब ये ऑन होगा, तो ये ऑन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये नायर का आ जाएगा, तो ये दोस्तों नायर के बटन पे थोड़ा सा रुक जाएगा, तो इसलिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि ये आगे मैं आपको दिखा सकूँ। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है वेलकम पे, अब आगे मैं ये स्किप, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्किप का ऑप्शन हिडन नहीं है, यानी कि यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, इस पे
कोई FRP नहीं लगा हुआ, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ी, तो इसका FRP ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।